हेलो बच्चों, चलिए फिर आगे पढ़ा रहे। और आप लोगों को पढ़ाने के लिए, यानी कि आप लोगों को पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। तो अब हम पार्ट यानी कि पूरे बुक की उसी ख़त्म होने वाली है। पार्ट 17 असल, अब इसके बाद एक ही पार्ट रहेगा। पार्ट 17 है, मैं दूसरे पढ़ा रही हूँ। और पार्ट का नाम क्या है? बापू के पत्र मीरा बहन का। पत्र किसने लिखा है? बापू ने। किसको लिखा है? मीरा बहन। और कहाँ से लिखा है? जेल से। ठीक है, इस पाठ में बापू के दो पत्र दिए गए हैं, जो क्रमशः जलबदा जेल और नोआखली से मीरा के लिए लिखे गए थे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को पता है, दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक यानी कि ऑफिशियल लेटर और दूसरा अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल। ठीक है, जो औपचारिक पत्र होता है, हम किसी कार्यालय को लिखते हैं, कोई भी कार्यालय, चाहे विद्यालय का कार्यालय हो, चाहे बिजली विभाग का हो, किसी का भी। ठीक है, और जो अनौपचारिक होता है, वहाँ हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने परिजन को लिखते हैं, अपने खास लोगों को लिखते हैं, तो अनौपचारिक होता है। तो इसमें अनौपचारिक पत्र के बारे में ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने, बापू जी ने मीराबेन को लिखा है। तो पत्र पढ़ते हैं, दो पत्र हैं। वह पहला पत्र जो है वो जेल से लिखा होगा, और जेल का नाम क्या है? यलवदा। चिरंजीव मीरा अपने से छोटों को, हम इसमें पूरा ब्यौरा नहीं दिया है, पर छोटा शॉर्ट में दिया है, संक्षिप्त में दिया है। चिरंजीव मतलब आशीर्वाद देना। ठीक है, मीरा बहन उनसे छोटी होगी, चिरंजीव मीरा। तुम्हारा पत्र मिला, मुझे ऐसा लगता है कि दाएं हाथ की गड़बड़ अभी रहेगी। आप दाएं हाथ की गड़बड़? किसके हाथ की गड़बड़? मेरे ख्याल से महात्मा गांधी के। मीरा बहन ने पत्र में जिक्र किया होगा कि आपका हाथ कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है। तो उन्होंने कहा कि दाएं हाथ, उनको पता है उनका हाथ कैसा चल रहा है, तो दाएं हाथ में उनके साथ कुछ चोट लगी होगी, तो इसीलिए कह रहे हैं दाएं हाथ की अभी गड़बड़ रहेगी, यानी कि अभी ठीक नहीं हुई है। यहाँ आने पर मैं दाएं हाथ से काफ़ी लिखने लगा था, अब मुझे जल्दी ही मालूम हो गया था इससे कोई लाभ नहीं। यह चुपके से आते हुए बुढ़ापे का एक चिन्ह हो सकता है। अब तक उम्र हो गई है ना, तो उम्र होने के बाद क्या होता है, इंसान थक जाता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं, शायद उम्र का ही नतीजा है कि ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जो हाथ है वो काम करने लायक नहीं है। अगर ऐसा है तो वह दुख ना, वह न दुख का और न आश्चर्य का ही कारण है। मैंने शरीर को केवल सेवा के साधन और भगवान के मंदिर के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा होता, तो बुढ़ापा एक ऐसे सुंदर पके हुए फल की तरह होता, जिसमें उसकी जाति के तमाम गुण पूर्ण रूप में होते हैं। देखो, इनके इसके पीछे क्या है, अगर उन्होंने जब समय था, जब जवान थे, उस समय उन्होंने अपने हाथ से कोई काम नहीं किया होता, यानी कि आराम ही आराम की जिंदगी जी होते, तो शायद उनका हाथ इतना कमजोर नहीं होता। कहने का मतलब यह है, देखो फिर से एक बार, और अगर ऐसा है तो वो दुख ना, न दुख का और न आश्चर्य का ही कारण है। मैंने शरीर को केवल सेवा के साधन और भगवान के मंदिर के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा होता। भगवान के मंदिर में, भगवान के मंदिर में क्या होता है, भगवान को हम चढ़ावा चढ़ा देते हैं, बस जाते हैं मंगाते हैं। तो क्या है कि अगर करना सीखा होता तो बुढ़ापा एक ऐसे सुंदर पके हुए फल की तरह होता है, जिसमें उसकी जाति के तमाम गुण पूर्ण रूप में होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आसान आरामदायक जिंदगी वो जी रहे होते हैं। यह तो सौभाग्य ही होगा यदि यदि मैं इतनी सी असमर्थता भुगत कर बच जाऊँ। लेकिन यह भी व्यक्ति की अटकलबाजी है। अटकलबाजी का मतलब होता है अनुमान, अनुमान लगा रहे कि व्यक्ति की अनुमान है, कल्पना कर रहे हैं। लेकिन यह भी व्यक्ति की अटकलबाजी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर निश्चित मर्यादाओं के भीतर उचित सावधानी रखना काफ़ी है। इसलिए तुम हाथ के बारे में चिंता न करना। तो हाथ के बारे में पूछा होगा तो वही हाथ के बारे में बताते, मैंने आराम किया होता, मैंने काम नहीं किया होता, तो मैंने अपने हाथ को ज़्यादा सहज कर रखा होता, आरामदायक जिंदगी जिया होता, तो शायद अभी मैंने मेरा जो हाथ है इस तरह का गड़बड़ नहीं करता, यानी कि उसमें हाथ दुखने लायक नहीं होता, मैं आराम से जी रहा होता। तो ये एक कटाक्ष के रूप में बोल रहे हैं। उपवास के दिन के सिवा मेरा वजन 106 पाउंड बना हुआ है। उपवास के दिन, उपवास जाते हैं ना व्रत, ठीक है, उपवास के दिन के सिवा मेरा वजन 106 पाउंड बना हुआ है। देखो, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 400 ग्राम का होता है, तो 106 पाउंड उनका वजन होता है, वो भी जिस दिन वो उपवास नहीं करते हैं। उपवास के दिन वह कुदरती और तौर पर घट कर 103.5 पाउंड हो जाता है, यानी कि 4.5 जो है वो घट जाता है। 24 घंटों में अच्छी सीखी हुई डबल रोटी के टोस्ट के 5-6 टुकड़े 30 खजूर। देखो ये क्या खाना है, 24 घंटों में, 24 घंटे का अपना खुराक बता रहे हैं। ठीक है, 24 घंटों में अच्छी सीखी हुई डबल रोटी के टोस्ट, डबल रोटी मतलब
वन फिर होता है, ठीक है, दो कितने, दो सिक्की भी डबल रोटी के, सिक्की भी डबल रोटी के टोस्ट के पांच छह टुकड़े, दो नहीं पांच छह टुकड़े, तीस खजूर, खजूर जानते हैं ना छुआरा जैसे होता है, तीस खजूर, एक बड़ा कटोरा भर उबली हुई भाजी, सब्जी भाजी जो होती है, सवा चार बजे सुबह दो चम्मच शहद, चुटकी भर सोडा गर्म पानी के साथ और दो बार सोडा और नींबू ठंडे पानी के साथ ले लेता हूँ, ये उनका खुराक है, आपको देख लेना, दो बादाम की लुगदी ले लेता हूँ, लुगदी बादाम की लुगदी चटनी जैसा, यहाँ पर चटनी लिखा हुआ, चटनी नहीं तो वो पिसा हुआ होता है, ठीक है, पिसा हुआ या घिसा हुआ, दो बादाम, दो ही बादाम है, दो बादाम की लुगदी ले लेता हूँ, इससे मुझे संतोष मालूम होता है, उनको आपको संतुष्टि होती है वो खा के, अगर इससे काम ना चला तो फिर दूध देने लगूंगा, अगर इससे भी मतलब मुझे संतुष्टि नहीं, मेरा भूख नहीं मिटा तो मैं दूध ले लूंगा, पेट दिन में दो तीन बार बिना किसी दवा या अन्य उपाय के साफ हो जाता है, पेट साफ करने के लिए, जानती हो ना उसका मतलब, समझ गए होंगे, तो इसके लिए दवा नहीं लेते, पेट दिन में दो तीन बार बिना किसी दवा या अन्य उपाय के साफ हो जाता है, 9 बजे से 4:45 बजे तक रात में और दिन के समय 20-20 मिनट करके दो बार सो लेता हूँ, कितने बार सोते हैं, दो बार, 9 बजे से 4:45 बजे तक रात में, रात को 9 बजे से लेकर 4:45 सुबह तक, ठीक है, रात में और दिन के समय 20-20 मिनट, ये इतने बजे से 9 बजे से लेकर 4:45 तक सोए, फिर दिन में 20-20 मिनट करके दो बार सो लेता हूँ, किसी भी समय वो 20 मिनट को सो लिए, फिर अगली बार वो 20 मिनट को सो लिए, दो दिन में 375 तार काटता हूँ, तार का चरखा है, चरखा में वो कपास लगा करके जो धागा काटते हैं उसको तार कहा गया है, धागे को, ठीक है, 75 कितने, 75 यानी कि 75, अभी तक धुलाई शुरू नहीं की, देखो धुलाई क्या होता है, धुलाई को धूल की सहायता से कपास से बिनौले अलग करना, जो कपास होता है जानते ना, कॉटन जो होता है पेड़ से पौधे से कॉटन निकालते हैं तो उसमें बीज होता है, बीज को क्या कहा है बिनौले, तो उसको अलग करने के लिए धुलाई करना पड़ता है, धुलाई कैसे करते हैं देखिए ना, तब हम रजाई बनाते थे इस तरह से धुनते हैं उसको रुई को, ठीक है ना, देख लेना ठंडी का मौसम आ रहा है तो पता चल जाएगा, तो धूल की सहायता से कपास से उसके बीज को अलग करना, ठीक है, ये कह रहे हैं, अभी तक धुलाई शुरू नहीं की, तुम्हारी भेजी हुई पुनिया खत्म होती ही नहीं देखती, जो भेजा होगा वो खत्म ही नहीं हो रही है, शेष समय पढ़ने लिखने में लगाता हूँ, अभी तो रस्किन का फर्स्ट क्लेविजियन नामक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, रस्किन लेखक है, उन्हीं का भी किताब है ना, फर्स्ट क्लेविजियन नामक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, यह आदमी जो कहता है वो बिल्कुल सच्चे दिल से कहता है, आप लेखक के बारे में कह रहे हैं कि जो भी कहता है जो भी लिखता है वो सच्चे दिल से कहता है, इन पत्रों में उसने वचन और कर्म में आत्मव्यक्ति का उत्तम प्रयत्न किया, आत्मव्यक्ति मतलब क्या होता है, आत्मा धन अभिव्यक्ति, आत्मा धन अभिव्यक्ति, आत्मा विव्यक्ति, आत्मव्यक्ति मतलब देखो मन की बात को प्रकट करना, आत्मव्यक्ति मतलब मन की बात को प्रकट करना, ठीक है, आत्मा विव्यक्ति का उत्तम प्रयत्न है, पत्रों के लिखने और लिखवाने में भी अब बहुत वक्त लगता है, पत्र लिखना और लिखवाना समय लगने लगा है, चूंकि मुझे साथी कैदियों से लिखवाने की इजाजत है, साथी कैदियों के साथ भी जो कैदी होंगे तो उनको उस समय ये काम मत करो, उससे बात मत करो, जो अंग्रेज के जेलर होते थे अंग्रेज के जमाने के, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती थी, लेकिन महात्मा गांधी को ये छूट था कि वो अपने साथी कैदी से बात कर सकते थे और उनसे वो कुछ भी काम करवा सकते, उसमें पत्र भी लिखवाना था, ठीक है, क्योंकि मुझे साथी कैदियों से लिखवाने की इजाजत है इसलिए पिछली बार से लिखने का काम कुदरती और तौर पर ज्यादा रहता है, इससे मैं खुश हूँ, हर सप्ताह आरंभ होते ही नैतिक समस्याओं पर कुछ न कुछ भेज देता हूँ और पिछले 5 दिन से मैंने आश्रम का इतिहास लिखना शुरू कर दिया, आश्रम 21 आश्रम की बात कर रहे हैं, ये आश्रम है ना साबरमती आश्रम जो उन्होंने बनाया था, आश्रम का इतिहास मतलब आश्रम कैसे बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए थे, क्यों बनाए थे, ठीक है, ये सब वो आश्रम के बारे में लिखने लगे थे, इतिहास जो पहले आश्रम के बारे में काम किया था उसके बारे में वो लिखने लगे थे, मेरे बारे में तुम्हारे सब सवालों के जवाब खत्म हुए, वल्लभ भाई और महादेव की तबीयत बहुत अच्छी है, वल्लभ भाई पटेल ठीक है और महादेव उनके बारे में भी उन्होंने पूछा होगा तो बताया है, थोड़े समय तक नमक छोड़ देने से कोई हानि नहीं हो सकती, नमक हम सब नमक नहीं खाने से
रास्ता निकल जाता है, ये होता है, कमजोरी आती है। तो क्या है, अगर थोड़े समय तक हम लोग छोड़ दें तो उससे कोई हानि नहीं होगी, और जो परिणाम तुमने अपने बारे में देखे हैं वे जरूर होते हैं। दुर्बलता लाने वाले जो लाने वाला जो परिणाम तुम देख रही हो वो थोड़े दिन का है, और किसी न किसी रूप में ताज़ा नींबू लेने से बहुत कुछ मिटाया जा सकता है। नमक, ठीक है, नमक का स्थान ताज़ा नींबू का रस अगर लेने से भी बहुत कुछ जो हमारे शरीर की समस्या है उसको उससे निजात पाया जा सकता है। मेरे ख्याल से तुम जानती हो कि मैं लगातार 7-8 वर्ष तक बिना नमक के रह रहा हूँ, बिना नमक के रह रहे हैं 7-8 साल हो गए हैं, उसका कोई दुष्परिणाम नजर नहीं आया। मैं नमक नहीं खाया 7-8 साल से, तो कोई उसका बुरा परिणाम, दुष्परिणाम तक बुरा परिणाम नजर नहीं आ रहा है। इस प्रयोग में बहुत लोग मेरे साथ शरीक होकर शामिल हुए। इसलिए तुम नमक छोड़ने का अपना प्रयोग उस हद तक लंबा कर सकती हो जब तक उससे तुम्हें लाभ, जब तक तुमको लाभ मिल रहा है नमक छोड़ने से, तब तक तुम उस लाभ को उठा सकती हो। खाली दूध में नमक बहुत होता है, खाली दूध मतलब शुद्ध दूध, देखो तुम कभी पिए होगे, कभी कभी हमको दूध नमकीन सा लगता है, तो कह रहे कि शुद्ध दूध में जो है वो नमक बहुत होता है। कच्चे दूध में खारेपन का स्वाद आता है, शुद्ध दूध में नमक और कच्चा दूध भी खारा जानते हो ना, खारा कैसे जो सागर में पानी, हम बाहर कभी जाते हैं पानी कैसे लगता है ना, पानी में स्वाद नहीं होता है, ठीक है, तो कच्चे दूध में खारापन का स्वाद आता है। तुम्हारे पेटी में भजन महादेव को मिल गए, वे उन पर श्रम करेंगे मतलब काम करेंगे। तुम देखती हो कि मेरी लेखनी की स्याही खत्म हो गई है, हम बोल रहे हैं लेखनी की स्याही मतलब कलम, ठीक है, उसका ही खत्म हो गया है, और अब सोने का समय यानी 9:15 से ज़्यादा वक्त हो गया है। उनका समय सोने का कब था, 9 बजे का था, ठीक है, अब सोने का समय हो गया था और 9 बजे से 9:15 से ज़्यादा समय हो गया था, लेकिन अपने ख्याल से मैंने कोई बात उत्तर दे बिना नहीं छोड़ी है, और तुमने जो सवाल मुझसे किए हैं, मुझे लगता है कि तुमने जो सवाल मुझसे किए हैं मैंने सबका उत्तर तुम्हें दे दिया है, ठीक है। हम सबकी तरफ से प्यार, यरदा मंदिर अब जो जहाँ से लिखे उसका ये इन्होंने ब्यौरा दिया, ठीक है, तो इसे क्या लिखे बाप, अब तो थोड़ा सा आज का जो है पैटर्न थोड़ा बदल गया है उसका, तो ये वाला पत्र खत्म हो गया है, फिर हम दूसरा पत्र थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू।